बनाओ बनाओ, देव उसको स्नोमैन बनाना है। Oh. How about we do that like this? We both do this. Hello and a very good morning to all desi sibling. मैं आपका स्वागत है। आज है फ्राइडे का दिन, दो दिन पहले का ये स्नोफॉल जो हुआ था, अभी तक सब जगह स्नो ही स्नो है और बच्चों की है छुट्टी तो दोनों घर पे हैं। पापा नहीं। अरे वो आपको बोल रहा है चलते हैं बाहर, पापा के पास चलते हैं, ऐसे चल रहा है। हाँ सही तो कह रहा है वो। वो कह रहे पापा, तो वो कह रहे मैं पापा। नहीं वो आप पापा थोड़ी है। देखो ये कौन है ना, ये कौन है बताओ? टावर। नहीं ये कौन है? नहीं ये नहीं है। ये कौन है? ये नहीं है। ये नहीं है, ये टावर है। देवस है। दीदी कहाँ है? मेरा दीदी। हाँ देवा दीदी कहाँ है? दीदी हाँ देखा, उसको पता है आप दीदी हो। ऐसे दीदी बोल रहा है। हाँ ऐसे तो पापा बोल रहा है। अच्छा इडली क्या? ये है इडली। इडली क्या लिया? अरे वाह, मम्मी ने इडलियाँ बनाई और आप उससे खेल रहे हो। इसे खेल रहा है। ये किसका है? ये इडली। ये वाला किसका है? इडली है। अरे दीदी का है, दे दो दीदी को, दे दो। देखो उसने सारे नाश्ते का खेलने लग गया है। ये बाहर चलना है, देखो घूमी घूमी जाना है। चलो फिर चलो देखो, टीवी बंद करो फिर। हाँ चलो हम जा रहे हैं बाहर, और क्योंकि हम स्नोमैन बनाने जा रहे हैं तो हैट और स्टोल और साथ में सामान लेके जा रहे हैं। और देविता ने हैट पहना तो देवस को भी पहनना है, तो ये हो गया है अजीबो गरीब स्टाइल। दीदी नहीं पहन, पहन लेना देविता, नहीं तो वो भी नहीं पहन। फनी नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, यूनिक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो जल्दी जल्दी चलो, ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ विंटर हैट के ऊपर समर हैट, बीच वाला ले लो, दे रही है दीदी। लो लो तेरा उसके मुंह पे आ गया है, ले लो। हाँ ये वाला दे। कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए? नीचे मम्मी को दे दो, ले लो। ये गुड जॉब, आ जाओ। डैडी 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 कम कम। चलो अब बनाओ अपना स्नोमैन। आप ही तो कह रहे थे स्नोमैन नहीं बनाया। हाँ यहाँ पे बनाओ, बस रख दो सामान, सामान नीचे रख दो। गुड, नाउ यू कैन बिल्ड योर स्नोमैन। I'm going to put this inside this. हाँ रख दो, ऊपर से रख दो, उड़ेगा नहीं। Very good. नाक बना दे। आगे को रोल करो, हाँ इस तरफ को। वेरी गुड वेरी गुड, उसको
दबा दबा के करो ताकि नीचे वाले पर भी उस पर चिपक जाए। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ओके करो करो। देविता देवस लगे हुए हैं जोश के साथ स्नोमैन बनाने में। एकदम से धूप चली गई है और हवा चलने लग गई है और यहाँ स्नोमैन बनाते बनाते हो रही है लड़ाई, क्योंकि हर काम में होती है देविता देवस के। चलो हो गया, गुड एनफ। सामान लेने पहले कैब बाद में दी। आप लगा लोगे? मैं लगाऊं आइस? हाँ फटाफट दोबारा ग्लास पहन लेना। वाओ बस बस बस, ज्यादा प्रेशर नहीं दो टूट जाएगा। करो करो अब जो करना है करो। ये है हमारा स्नोमैन जिसकी सुंदर सुंदर काली आंखें, कैरेट वाली नोज और पिंक लिप्स, बढ़िया सा हैट है पहना हुआ है। ओहो एवरीथिंग इज टेम्पररी, देविता और देवस की लड़ाई परमानेंट। खा लो ब्लूबेरी, खत्म कर दो। देवस ब्लूबेरी खानी है? नहीं खानी? ओ भाई भाई। वाओ वेरी गुड वेरी गुड। देवस के अंदर का कलाकार जाग उठा है। चले लगाना है स्नोमैन। चलो चलो बेटा उसमें पैर मार। हाँ बनाओ बनाओ, देवस को स्नोमैन बनाना है। वो तो कुछ नहीं करता ना देविता, आप तो सब कर देती हो, देवस कुछ नहीं करता। ये देखो हाँ छी है, मिट्टी है। वाव देवस चले घर चले? क्यों क्या करना है आपको? नहीं जाना? ओके क्या करना है? ओके चलो ले लो हैट, ले लो अपना। स्नोमैन लगाना है? लगाओ लगाओ फिर। लगाओ लगाओ, आ रही है मैम। घर चले? हाँ अरे देवो चलते, देर हो गई है। नहीं जाना? ओके ओके ओके।
चलो मैं तो जा रही हूँ, तुम लोग यहीं रहो। बाय देवस। आजा। स्नो जब पड़ती है तो ऐसी साफ सुंदर सफेद दिखती है, और कुछ टाइम बाद इसके ऊपर मिट्टी आ जाती है तो इतनी गंदी दिखने लग जाती है। और ये लोग आसानी से घर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं कभी भी। जितना खुश बाहर आते हुए होते हैं उतना ही मुश्किल होता है घर वापस ले जाना। आ जा। नहीं जाने घर। इतना हैवी स्नोफॉल हुआ है, 3 दिन हो गए अभी तक पेड़ों के ऊपर की बर्फ भी नहीं पिघली है। ये वाली बर्फ पिघलने में तो पता नहीं कितना टाइम जाएगा। पानी बेटा ये स्नो पिघल रही है ना। हाँ स्नोमैन लेके आ रहे हो। चलो गुड। देवो स्नो पकड़ के लाता है। हाँ जल्दी से ले आओ, इतनी ही लाना जितनी देवस लाए, ज्यादा नहीं लाना। दीदी भी लेके आ रहे। दीविता भी अपने लिए थोड़ी सी स्नो ले आई है। चलो इतनी सारी स्नो रखी है, तुम्हारा मन नहीं भर रहा स्नो से? फेंक दो, कारपेट गीला हो जाएगी। दीदी ने फेंक दिया, आप भी फेंक दो बाथरूम में। नहीं फेंकनी। क्या करनी है? और अब नहा धो के हो गए हैं रेडी। अब दीविता यहाँ पे क्लीनिंग करो बेटा, देखो कितना गंदा हो गया। दीव दे दो उसको। दीविता देवस दोनों मिलके फटाफट सफाई करो। ओके देवस सफाई करो, सफाई करो नहीं। दीदी के साथ मिलके नहीं, नहीं तेरे को सफाई नहीं करनी। क्यों नहीं करनी तेरे को? ओके मम्मी कर रहा है। ओके ये है देवस जो कि सफाई के नाम से ही नखरे दिखाने लगा है, और दीविता को अकेले क्लीनिंग करनी पड़ रही है। साथ ही हो चला है लंच का टाइम, तो हम करते हैं लंच और आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज